नमस्कार दोस्तों, जन विकास आवाज से मैं सुरेश मार को आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसे कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनावी तारीख आ चुके हैं और आचार संहिता भी लग चुका है, इस वक्त मैं साइन स्टेशन पर खड़ा हूं और मैं जनता से राय पूछना चाहता हूं कि 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी वर्सेज महागठबंधन, हमें यह देखना है कि किसका पलड़ा भारी होगा। आप बताएंगे सर, आपका नाम? शब्बीर इनामदार। क्या लगता है कि 2019 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, कैसे कह दिए आप कि नरेंद्र मोदी ही बनेगा प्रधानमंत्री? बनेगा वो। अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया। आप बताएंगे सर? नरेंद्र मोदी ही बनेगा। नरेंद्र मोदी ही बनेगा 100%। तो काम बताएंगे नरेंद्र मोदी का? सब काम जो भी कर रहा है अभी, राम मंदिर का जो है भी अच्छा काम होगा, वो बनेगा। अच्छा, और कुछ? और जो भी किया है अच्छा ही किया है। आप बताइए सर, आपकी राय क्या है? आप बताइए। माता जी, आप बताएंगे कौन बनेगा अगर आप प्रधानमंत्री? बनेगा, बराबर है। लेकिन वो 5 बरस में हम लोग ने फॉर्म भरा था, अभी तक हम लोग को रूम नहीं मिला है, हम भाड़े से रहते हैं, तो उनके हमको गरीब का सबको परेशानी दूर करना मांगता है, वही आएगा। अच्छा, मतलब अभी भी मोदी जी का मतलब पूरा भरोसा है कि 2019 में आने की संभावना? आने की संभावना है, लेकिन उसने भला करना मांगता है गरीबों का। अच्छा। आप बताएंगे सर, आपकी क्या राय है? वो आएगा तो आदमी का सत्यानाश होएगा। आप कैसे कह सकते हैं वो आएगा तो सत्यानाश होगा? सर मालूम है, सबको मालूम है, सब लोग उसके गाले में गाली देते हैं। अच्छा बताइए, उनकी एक दो गलती बता दीजिए। सबको मालूम है कि हमको क्या होता है। अच्छा, बता दो किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? हम पंजाब जी का, कांग्रेस। अच्छा, मतलब राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं आप? हाँ। अच्छा, ठीक है। हमारे दोस्त ने बोला कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, आप बताइए आपका नाम? मोहम्मद नफीस। अच्छा, बोलिए सर, आप किसको प्रधानमंत्री बनाना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री तो बने हैं, हाँ जी, मगर उनके आरोप में जो कातिलाना उनका आरोप है। अच्छा। तो उसको कौन सजा देगा? अच्छा, कितना कातिलाना, अभी भी जो हमला हुआ है सुनने में आया कि वही करवाया। अच्छा, तो फिर इसका कौन, उसका कौन जज है, उसका कौन फैसला करेगा? अच्छा, तो फिर जो कातिल है, अगर कातिल का फैसला हो गया है तो सामने वाला मोदी बोले मोदी कातिल है, तो फिर कातिल कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेगा? अच्छा, भाई अभी वहाँ भी बम ब्लास्ट बोले कि वही करवाया है, गुजरात में वही करवाने वाला है। अच्छा। उसका खुद ग्रुप जो है वो बताता है, तो क्या व्हाट्सएप में ये सब में यही बात सामने आ रही है। तो क्या लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी नहीं आने वाला है? ये जी, ये आवाम को खुद सोचना है, आवाम को खुद सोचने की चीज़ है, आवाम को खुद सोचने की चीज़ है कि हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अच्छा, बना रहे हैं। देखो, बीवी बच्चे वाले को बनाओ, जिसके पास बीवी बच्चा है, घर है, समाज है, उसको बनाओ, वो दुख दर्द समझेगा, जिसके पास बीवी बच्चा नहीं तो वो क्या समझेगा? आप चाहते हैं सर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, युवा बने? ऐसा नहीं है, कोई भी बने, अच्छा आदमी बने, जिसके पास बीवी बच्चे का बोझ है। अब जो इसके पास है ही नहीं तो वो क्या करेगा, वो क्या समझेगा? अभी क्या वो 5 साल के बीच में बताया कि घर मिलेगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप में बेवकूफ बना रहा है इतना आदमी को। लेकिन अभी तो वो जब वो अपना ही बना रहा है, जब वो अपना ही चोर है तो दूसरे को क्या भरेगा पेट, क्या भरेगा दूसरे का पेट? जब वो अपने ही भूखा है तो दूसरे को क्या पेट भरेगा वो? मतलब आप चाहते हैं कि मतलब जनता की राय है वाले हैं। अच्छा, हाँ जी, बीबी बच्चे वाले के जिसको मालूम है कि दुख और तकलीफ क्या होता है, समझे? तब तकलीफ जब उसको खुद, जब बीबी बच्चे नहीं है तो दूसरे का वो तकलीफ क्या समझेगा? इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने सोच लिया, जनता ने सोच लिया कि इस बार राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बने। कोई जरूरी नहीं है कि वही बने, जो आदमी आम पब्लिक को चाह रहा है, आम पब्लिक तो ये चाह रहा है कि क्या नाम, हमारा क्या नाम, दुख तकलीफ हिंदुस्तान से हट जावे, तो वो हिंदुस्तान को आम पब्लिक के ऊपर ही डाल रहा है, तो क्या वो हटेगा? अच्छा, आप बताइए सर, आपका क्या राय है?
नहीं सर, अभी तो आजकल पहला पचास बरस तो कांग्रेस का था। 50 बरस में कांग्रेस ने क्या किया है? अभी तक सोया था कांग्रेस ने? अभी तक 50 साल में कांग्रेस का सत्ता था, कांग्रेस ने क्या करके दिखाया है? अभी मोदी जी आया 5 साल में इतना थोड़ा कुछ तो किया है। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मतलब मोदी है तो मुमकिन है, आपका कहना है मतलब कि इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने? मोदी जी बनेंगे। अभी तो ऊपर से आवाज है कांग्रेस। अच्छा अच्छा, आप ये कांग्रेस आप बताएंगे? कांग्रेस खाली कांग्रेस अड्डा सर, मोदी आप बताएंगे? मोदी। अच्छा अच्छा, और ये भी बार मोदी सरकार ही है। मोदी सरकार, अभी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। स्टेशन हाँ जी स्टेशन पे थूकने को आदमी सोचता है, ट्रेन में कचरा, मैं खुद भी कचरा नहीं डालता हूँ। अच्छा। थूकने का रहे तो मेरे को डब्बे में थूकना पड़ता है। अच्छा। ज्यादा बड़ी बात ना, अपने आप छोटे इंसान के लिए थूकना भी अभी गलत हो गया है। पहला ये काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, वो क्यों बनेंगे जबकि 60-70 साल से इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं? कांग्रेस समझे ना, इन लोगों ने कुछ नहीं किया समझे। 84 में जब इंदिरा गांधी थी, जब इससे हमारे बचपन से हम देखते, कुछ भी नहीं किया। मोदी जी ने आके 5 साल के अंदर बहुत कुछ किया। अभी लोगों को रोजगारी नहीं, ये नहीं, वो 15 लाख रुपए आने वाले थे बैंक में, वो नहीं, वो ठीक है, होते रहता है, वो चलते रहता है। लेकिन मोदी ने बड़े बड़े जो काम है मोदी साहब ने किए हैं, इसीलिए आज भी हमारे हिंदुस्तान में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं तो हमारा हिंदुस्तान और आगे बढ़ेगा। और राहुल गांधी को बोलने को नहीं आता है तो कहाँ से प्रधानमंत्री बनेंगे? पप्पू नाम उनका, पप्पू। आप भी कल का भाषण देखो, उनकी बहन जो भाषण दी कल, इतना अच्छा भाषण दिए कि पूछो मत। राहुल गांधी को क्या आता है? तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे लोग। अरे खाली प्रधानमंत्री देख के क्या करेंगे? जो पीछे आगे लाए वो साफ कौन करेंगे? वो मोदी साहब ने ही करेंगे। और इस दुनिया हिंदुस्तान में दोबारा और एक बार प्रधानमंत्री मोदी साहब नहीं बनना चाहिए। इस बार किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? मोदी को। हाँ। कैसे कह दिया आप प्रधानमंत्री मोदी बने 4-5 साल में? कांग्रेस ने अभी तक कुछ किया नहीं। अच्छा। हाँ, मोदी ने करके दिखाया। अच्छा। इसलिए हम मोदी को देंगे। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। मोदी है तो सब कुछ है। मोदी को कंफर्म है। हाँ। मतलब आप बताएंगे सर? आप आए मैम, मोदी 100% मोदी। आपके बार मोदी सरकार? मोदी सरकार, मोदी फिर से एक बार मोदी सरकार। हाँ सबसे अच्छा। हाँ मोदी सरकार आए हैं क्योंकि हम लोग पढ़ाई में बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर, मोदी सरकार। अच्छा अच्छा, हर हर मोदी। अबकी बार मोदी सरकार ही है सब। मतलब 2019 में लोकसभा चुनाव में आप राहुल गांधी को बनाएंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? मोदी जी जो 5 साल में काम किया, 70 साल में काम नहीं हुआ है। अच्छा। आज गटर में काम चालू, देखो कभी हुआ क्या? देखो साइन स्टेशन के बाजू में देखिए आप, बहुत काम किया मोदी जी ने। पूरा दुनिया में मोदी जी ने देश का नाम रखा है, पूरी दुनिया में, भारत में स्वच्छ भारत, बच्चों लोग को पढ़ाई लिखाई, जो भी चीज शिक्षा के बारे में, अच्छा बहुत अच्छा, टेक्नोलॉजी बाहर से विदेश से लाया है, जो भी चीज है, मिसाइल है, जो भी एटूजेक बाहर से इंडिया में लाया टेक्नोलॉजी, तो उसको विकास ही बोलते हैं ना। आज स्वच्छ भारत, गटर, जो भी काम हो रहा है, रेलवे का टेंशन देखिए, गाड़ी देखिए, जो भी है, जो 70 साल में काम नहीं हुआ, जो 5 साल में हुआ, फिर गलतियां थोड़ा बहुत होती रहती, कोई भी नेता हुई है। अच्छा अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज कांग्रेस तकरीबन 17 सालों से हमारे भारतवर्ष पे राज करते आया, मगर वो विकास जितने 70 सालों में नहीं हुआ था, आज तकरीबन 4 से 4.5 साल के अंदर में तकरीबन उसे 50% ज्यादा विकास हुआ। हम बेरोजगार जो थे, लगभग बेरोजगारी कुछ ना कुछ दूर हुई। और राहुल जी को तो हम बोलेंगे वो तो पप्पू से भी गड़बड़ है। पप्पू तो कुछ ठीक था, मगर वो तो पप्पू से भी गड़बड़ है। उनको तो ये चलने का भी ढंग नहीं है कि मैं स्टेज पे जाता हूँ तो बोलूँ क्या, बच्चों की तरह लेकर के चले आते हैं, इमला पढ़ते हैं। अरे हमारे देश का वो रक्षा कैसे कर सकता है? प्रधानमंत्री वो कैसे बन सकता है जिसको कि हिंदी ढंग से पढ़ने आती नहीं? वो हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रीय वो चीज है, लेकिन जब उनको यही नहीं पता हिंदी होती है क्या? मैं राहुल जी से सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर हमारे बातों का वो जवाब दे दें तो मैं जान जाऊँगा कि नहीं उनको कुछ हिंदी आती है। हिंदी में सगे भाई को क्या कहते हैं? बस। और मैं कुछ उनसे नहीं पूछना चाहता हूँ, वो क्या किया
उनको कुछ नहीं पता। वो रात को डिनर क्या करते हैं, लंच क्या करते हैं, उनको खुद नहीं पता। उनका पीए लिख करके देता है, साहब ये आप खा के गए हो। बस वही जो अंदर से लिख के मिलेगा पप्पू वही बोलेगा, नहीं तो चप्पल या चाटे पड़ेंगे उसको घर के। ठीक है ठीक है ठीक है, जनता की राय है कि 2019 में मोदी है तो मुमकिन है 400+, मतलब ठीक आज से एक महीना बाद 11 अप्रैल को पहला मतगणना है, जिसमें आप सभी को अनुरोध है कि इस मतगणना को अच्छे से लाभ लें और बहुत से अच्छे से अपने देश को आगे ले जाने की काम करें। कैमरामैन गौतम के साथ मैं सुरेश मार्को, मुंबई।